गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वन्ना। तो गाइस आज हम स्किन की बहुत ही ज़्यादा मेन जिद्दी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डार्क सर्कल, जिससे हम सारी गर्ल्स परेशान रहती ही है। काफ़ी कुछ आपने ट्राई कर लिया होगा, इवन मैंने भी कर लिया है। गाइस आज मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स बताऊंगी, तो मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको मेरी बकबक लगे तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और पसंद आए तो आप एंड तक देखना। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक DIY बताऊंगी, एक आपको क्रीम जैसी जेल भी बताने वाली हूँ डार्क सर्कल के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो आप पूरा एंड तक देख सकते हो। बहुत सारे मुझे गर्ल्स पूछेंगे कि दीदी आज आपने कौन सी लिप शेड यहाँ पर अप्लाई की है। तो आज मैंने यहाँ पर सुगर स्मजबी नोट लिक्विड लिपस्टिक में से 45 ग्रेप ड्रेप नाम का जो शेड है वो अप्लाई किया है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और दिवाली फेस्टिवल के लिए अगर आपको कंसीलर चाहिए बजट में, तो मैं आपको डार्लिंग इसाबेले के कंसीलर भी सजेस्ट करने वाली हूँ। तो मिडल में या एंड में मैं इसकी क्लिप एड कर दूंगी। और यहाँ पर जो मैंने कुर्ती पहनी है उसका वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप मेरे आने वाले सारे वीडियोस देखना। करंटली मेरे चैनल में अभी एक गिव अवे चल रहा है, गिव अवे 7 नंबर का पिक्चर यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूंगी। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो सिंपली आपको बताना है कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, साथ ही साथ #VGFame और #GiveAway7 लिखना है। और दिवाली का गिव अवे मैंने अनाउंस कर दिया है। अनारकली का गिव अवे क्या रूल्स है मैं आपको एक या दो दिन में बताऊंगी। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो गाइस ये जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है ना, उसके रिलेटेड मुझे काफ़ी सारी कमेंट रिसीव होती है कि एक या दो महीने में मैम मेरी शादी है, तो प्लीज़ अच्छा सा कुछ बता दीजिए जिससे ये डार्क सर्कल की प्रॉब्लम दूर हो जाए। जो सारी गर्ल्स पढ़ाई करती रहती है देर रात तक, उनकी भी मुझे कमेंट रिसीव होती है। काफ़ी सारे लोगों की मुझे कमेंट ऐसे भी रिसीव होती है कि मैम मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो कई लोग मुझे सुना के जाते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। भले ही कितने ही लोग आपको बोले कि आपके चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल है, आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे के ऊपर भी मुझे थोड़े बहुत डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है। तो मैं बिल्कुल भी कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं फील करती हूँ, या तो कभी लो नहीं फील करती हूँ, क्योंकि ये जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है ना गाइस, वो आती जाती रहती है। कई बार स्ट्रेस की वजह से, पढ़ाई करने की वजह से, देर रात तक जगने से, पानी अच्छे से ना पीने की वजह से, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं। बट जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है ना गाइस, वो परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्पररी होती है। अच्छे से अगर आप स्किन का ख्याल रखते हो, अच्छे से नींद लेते हो, पानी पीते हो अच्छे से, तो ये प्रॉब्लम चली जाती है। गाइस आप सोचो कि मुझे आप लोगों की इतने सारे कमेंट का रिप्लाई करना पड़ता है, देर रात तक अच्छे से न्यू वीडियो सोचने पड़ते हैं, तो मैं अच्छे से नींद नहीं लेती हूँ, मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा जेल बताने वाली हूँ। ये जेल मैंने घर पर ही तैयार किया है, तो चलिए इसको कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको अंडर आई डार्क सर्कल के लिए क्रीम बनाना बताऊंगी, जेल बनाना बताऊंगी। मार्केट में आपको सेम इसी तरीके की जो जेल है, कॉफी वाली, एलोवेरा वाली क्रीम आपको डार्क सर्कल के लिए मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड की आती है। मैं आपको यहाँ पर 10 रुपये से भी कम में आपको बताऊंगी कि आप यही सेम कैसे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना रेडीमेड एलोवेरा जेल चाहिए। मैंने इससे पहले भी डार्क सर्कल के लिए एक मिक्सचर आप सबके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ किया था। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगी। और इससे पहले मैंने आप सबके साथ जो डार्क सर्कल का वीडियो शेयर किया था, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर भाग्यश्री गुप्ता ने उसको यूज़ किया था और मुझे फीडबैक भी दिया था। तो ये आज मैं आपको जो जेल बताऊंगी वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो 1 टेबल स्पून जितना आपको कंपलसरी रेडीमेड एलोवेरा जेल ही लेना है, क्योंकि हमें ये जो क्रीम है उसको स्टोर करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर 6 से 7 बूंद आलमंड ऑयल की यहाँ पर ऐड करनी है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो भी बादाम का ऑयल यूज़ करो वो स्किन के लिए भी यूज़ कर सको ऐसा होना चाहिए, यानी स्किन का भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर सेंट डिवेंस का स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। ये आप बालों के लिए और स्किन के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करनी है। विटामिन ई गाइस डार्क सर्कल को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। यहाँ पर आपको जो 10 कैप्सूल है आराम से 27 रुपये में मिल जाएगी। चाहो तो आप मेडिकल में सिंगल एक कैप्सूल 2 या 3 रुपये की आती है, सिंगल कैप्सूल भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर इसका जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट करके इसमें मिला रही हूँ। और लास्ट फाइनली हमें यहाँ पर
करीब 1/4 टेबलस्पून जितनी कॉफ़ी ऐड करनी है। कॉफ़ी कंपलसरी है गाइस, क्योंकि जो आंखों के आसपास कालापन होता है, झुर्रियाँ होती है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, उसको दूर करने के लिए, हमारे जो डार्क सर्कल है उसको कम करने के लिए, पफी आइज को दूर करने के लिए कॉफ़ी काम करती है। कॉफ़ी ऐड करने के बाद आपको बस इन सबको अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही ज़्यादा यू नो आपकी क्रीम अच्छी बननी चाहिए, इसमें गाँठे बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने क्रीम बोलो या जेल बोलो तैयार कर लिया है। आपको इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है फ्रिज में 6-7 दिन के लिए। तो गाइस आपने देख लिया ना कि हमारा यहाँ पर कॉफी एलोवेरा का जो जेल है डार्क सर्कल के लिए वो तैयार हो गया है। इसको बनाना कितना सिंपल है, 5 मिनट के अंदर ही है यहाँ पर हमारा जो जेल है वो तैयार हो जाएगा। सारी घर की चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ किए, हमने यहाँ पर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होगी। तो आप आज ही ये जेल बनाइए अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है। इवन ये जो जेल है ना, आप स्किन को इवन करने में, स्किन का जो कलर है उसको ब्राइटर करने में, चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हो। ये ओल्ड स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। इवन ये स्किन की अराउंड जो यहाँ पर हमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, फाइन लाइन्स पड़ जाती है, उसको टाइट करने में, हमारा यहाँ पर जो चेहरे के आंखों के आसपास जो कालापन होता है उसको ब्राइटर करने में, स्किन को इवन करने में मदद करता है। चाहो तो ये आप पूरे चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हो। तो चलिए इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अब गाइस यहाँ पर हमने जो जेल बनाया था ना, वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इसे दिन में 2 बार लगाना है, एक तो मॉर्निंग में जब आप यू नो नहा लो, उसके बाद फेस साफ करने के बाद आप चेहरे पर रिंग फिंगर की हेल्प से इसको लगा लीजिए। ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब भी आप डार्क सर्कल के ऊपर यू नो कोई भी क्रीम अप्लाई करो तो आप रिंग फिंगर की हेल्प से उसको अप्लाई करें, क्योंकि रिंग फिंगर से अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है और काफ़ी कम प्रेशर भी आता है, और सर्कुलर मोशन में आपको अराउंड जो डार्क सर्कल है वहाँ पर आपको मसाज करनी है हल्के हल्के। यहाँ पर गाइस हमने जो कॉफ़ी यूज़ की ना गाइस, कॉफ़ी से हमारी जो स्किन होती है ना उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जहाँ पर हमें डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वहाँ पर जो डार्कनेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, स्किन टाइट होती है, आँखों के आसपास की जो ढीली स्किन होती है वो टाइट होती है, झुर्रियाँ कम होती है, पफिनेस भी दूर होती है। एलोवेरा, स्वीट आलमंड ऑयल, विटामिन ई से हमारी जो स्किन होती है वहाँ पर वो हाइड्रेट रहती है, ड्राई स्किन जो सूखी सूखी स्किन होती है वो अच्छे से नरिश हो जाती है। तो इस तरीके से आपको दोनों आँखों के ऊपर लगा लेना है। रात को सोते टाइम आपको अच्छी तरीके से चेहरे को धो लेना है और रात को लगाना है। इस तरीके से 2 बार लगाए और हल्के हाथों से मसाज करने के बाद बस आपको इसको ऐसे छोड़ देना है और फिर आपको सो जाना है। तो गाइस ये जो जेल है ना सिर्फ आपकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को दूर करता है बट अनइवन स्किन को इवन करने में, ब्राइटर करने में भी हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अनइवन है, स्किन के ऊपर आपको डिसकलरेशन है, तो आप चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आपको माउथ के आजू बाजू डार्क पेचेस पड़ गए हैं, वहाँ पर आपको कालापन है, होठों के आसपास आपको कालापन है, तो वहाँ पर भी लगा सकते हो। इसमें जो कॉफ़ी हमने मिलाई है ना वो डिसकलरेशन को दूर करने में, स्किन को इवन करने में, स्किन को ब्राइटर करने में हेल्प करती है। तो आप वहाँ पर लगाए और अच्छे से मसाज कीजिए, पूरे चेहरे के ऊपर भी आप लगा सकते हो, मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद इसको आपको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद बस आपको सादे पानी से चेहरे को धो लेना है। दिन में 2 बार जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, तो धीरे धीरे करके आपके जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। स्किन के आंखों के अराउंड जो आपको रिंकल्स पड़ गए हैं, फाइन लाइन्स पड़ गई, वो स्किन टाइट हो जाएगी, डार्कनेस भी दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जेल आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप टीनेजर हो तो टीनेजर भी ये जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीनेज से लेकर आप 30, 40, 50 साल के हो तो आपके लिए ये जेल है। बोथ मैन एंड वुमन भी ये जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। वैसे तो मार्केट में आपको काफ़ी सारी क्रीम मिल जाएगी, जेल भी मिल जाएगी। मैंने आपको कई यू नो रेडीमेड जेल भी सजेस्ट किए, चाहो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। या तो यहाँ पर मैंने आपको जो कॉफ़ी एलोवेरा का जेल जो सजेस्ट किया यहाँ पर बना के दिखाया, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी लोगों को दिवाली के लिए यू नो अफोर्डेबल बजट में लिक्विड कंसीलर चाहिए होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करे और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए और हमारे डार्क सर्कल को अच्छे से हाइड भी कर सके। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर डार्लिंग इसाबेले के 5 लिक्विड कंसीलर है। यहाँ पर आप जो रेड कलर का, ऑरेंज कलर का जो कलर करेक्टर देख रहे हो, भी आप यू नो अगर आपको डार्क सर्कल है तो आप आपके डार्क सर्कल के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी का जो यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्राउन कलर का देख रहे हो कलर, वो आप यू नो कॉन्टोरिंग के लिए, क्रीम कॉन्टोर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी के जो 3 यहाँ पर लाइट मैं आपको शेड बता रही हूँ ना, वो आप आपके डार्क सर्कल के लिए आपकी जो भी स्किन टोन है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। टोटल मेरे पास यहाँ पर 5 लिक्विड कंसीलर है, शेड नंबर के साथ और शेड नेम के साथ यहाँ पर मैं आपको सोच दिखा रही हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से यहाँ पर है, तो आप
परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइस और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर मेरा जो पर्टिकुलर शेड है वो भी लिया है और बाकी के जो कंसीलर है मैंने यहाँ पर गिव अवे के लिए परचेज कर लिए है। जब भी मैं गिव अवे करूँगी इनको मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। तो मैं आपको इसका जो ब्लेंडिंग क्या रिजल्ट है वो भी लास्ट में बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक डेफिनेटली देखना। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कंसीलर का डेमो दिखा देती हूँ क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है, अगर आपको इनकेस परचेज करना है तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो मैं यहाँ पर मेरा जो 02 नंबर का मेरा पर्टिकुलर जो शेड है ना आइवरी सुप्रीम वो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये जो यहाँ पर मैंने कंसीलर आपको दिखाया ना वो काफ़ी लाइट वेट है, इसकी पैकेजिंग कॉम्पैक्ट है, तो आप ट्रैवलिंग में भी इसको पल्स में कैरी कर सकते हो। और ये ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है। इसका जो एप्लीकेटर है ना गाइस वो डो शेप एप्लीकेटर है, तो अच्छे से कोने में आंखों के एरिया में वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। कंसीलर काफ़ी लाइट वेट है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, तो अराउंड आइज़ में इसको अप्लाई कर लूँगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो यहाँ पर मैंने जो आपको कलर करेक्टर दिखाया था ऑरेंज वाला 08 नंबर का ऑरेंज कलर करेक्टर वो भी आप परचेज कर सकते हो। सभी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ये जो कंसीलर है ना गाइस मैट फिनिश वाले हैं और 5 से 6 आज तक ऐसे ही स्टे करते हैं और क्रुअल्टी फ्री प्रोडक्ट है, लाइट वेट है, मेटिफाइंग है, कॉम्पैक्ट इसकी पैकेजिंग है, तो अगर आपको परचेज है तो आप ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको जो लिपस्टिक बताई और सारे कंसीलर आपको जो सजेस्ट किए, अगर आपको वो परचेज करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरे दूसरे वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मेरे चैनल में आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके के वीडियोज़ मिलेंगे। कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है या तो सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हो। बाय गाइस, लव यू ऑल।